इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज और आईएनएन समय में आप सभी का खैर मकदम है। कहर कोरोना का जारी है, आज फिर 360 के करीब पॉजिटिव मरीजों की तादाद रही तो 400 के करीब डिस्चार्ज भी हुए। ऐसा पहली बार हुआ है कि पॉजिटिव मरीजों से भी ज्यादा डिस्चार्ज मरीज रहे। पुलिस महकमा में भी कोरोना ने अपना दाखला पहले ही लिया था, पर अब आलाप सरान भी कोरोना की जद में आ चुके हैं। बेलगाम एसपी लक्ष्मण निम्बर की भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके। खड़े बाजार सीपीआई धीरज शिंदे भी कोरोना की जंग लड़कर वापिस अपने खदमात अंजाम दे रहा है। बेलगाम में इंडो तिबेट फोर्स के 27 फौजियों को भी कोरोना ने अपनी गिरफ्त में लिया है, लिहाजा 27 फौजियों की टेस्ट पॉजिटिव पाने की खबर है। आज जश्न यौम आजादी महदूद तरीके से मनाया गया। उमूमन स्कूलों में, शहर मोहल्लों में बड़े इजलास मुनक्कद किए जाते हैं, पर यह भी पहली मर्तबा देखा गया कि कुछ ही अफराद और मास्क, सैनिटाइजर, एम्बुलेंस, मेडिकल बूथ, थर्मल स्कैनिंग के साथ 15 अगस्त मनाया गया। यौम आजादी पूरे देश में सबसे बड़ा त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है, पर कोरोना ने सभी त्योहारों को महदूद कर दिया है। आजादी के बाद पहली मर्तबा सबसे बड़ा इम्तिहान से यह देश गुजर रहा है। वैसे मोदी हुकूमत के फैसले भी कुछ देश हित में फायदेमंद नहीं रहे। ऐसा लगता है कि देश हित से भी ज्यादा किसी धर्म विशेष पर तवज्जो देने में ही मोदी हुकूमत की कुवत सर्फ होती रही। तरक्की की रफ्तार को तेज करने से भी ज्यादा गांव के नाम बदलना, 3 तलाक, गोरक्षा, एनआरसी, सीएए, नोटबंदी, जीएसटी, भूमि पूजन जैसे कामों को तरजीह हुकूमत की जानिब से दी गई, और लॉकडाउन के बाद तो बची कुछ कसर ही पूरी हो गई। भारत में 15 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं जो कंपनियों में काम करते थे। वैसे तो छोटे मजदूरों का कोई हिसाब ही नहीं। कोरोना का कहर थमने को तैयार नहीं। सरहदों पर हर रोज तनाव बढ़ता ही जा रहा है। गोदी मीडिया मोदी सरकार की कामयाबी के गीत गाते गाते थक नहीं रही। समझ में नहीं आता कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस पस मंजर में यह बात कही कि भारत ने कोरोना की जंग में बेहतरीन जरूरतमंद कामों को अंजाम दिया। अब किन कामों को अंजाम दिया यह तो मोदी हुकूमत ही जाने। अब तो लोगों ने भूखमरी से खुदकुशी करना भी शुरू किया हुआ। बंद कारोबार, बेरोजगारी इंसान को मौत की कगार पर ले जाने के लिए मजबूर कर रही। इस यौम आजादी ने कई सारे सवालों को जन्म दिया है। देश में बढ़ती असहिष्णुता क्या वाकई देश को तरक्की की राह पर ले जाएगी? ताज्जुब तो इस बात पर भी है, हुकूमत फिरका परस्ती को बढ़ावा दे रही। खैर, बेलगाम शहर में भी यौम आजादी मनाई गई। बेलगाम जिले वजीर रमेश जारकीहोली के हाथों परचम लहराया गया। इस वक्त पुलिस कमिश्नर के त्यागराजन, राज्यसभा मेंबर हिरण्णा कड़ाडी, एमएलसी सपन्ना तलवार और दिगर महदूद आमिला शरीक रहे। इस वक्त वजीर रमेश जारकीहोली ने 100 करोड़ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तामीर करने की बात कही। साल 10वीं इम्तिहानात में नुमाया नंबरात हासिल करने वालों की गुलपोशी फरमाई गई और हिम्मत अफजाई भी की गई। इसी तरह से शहर के दिगर हिस्सों में भी यौम आजादी मनाई गई। आजाद नगर, अमन नगर, उज्जवल नगर, गांधी नगर, दरबार गली, कोतवाल गली में तिरंगा परचम लहराकर यौम आजादी का जश्न मनाया गया। अमन नगर में बड़े ही जोश और जज्बे से जश्न आजादी मनाई गई। इस वक्त अमन नगर, गांधी नगर के जिम्मेदारान शरीक रहे, खासकर इजाज हकीम, अजीम पटवेगार, अशफाक मड़की ने शिरकत फरमाई। न्यू स्टार डेवलपर्स के मालिक जनाब इजाज हकीम और साबिक कारपोरेटर जनाब अजीम पटवेगार के हाथों तिरंगा परचम लहराया गया। हुबुल वतनी के भी गीत। तेज और मुस्तकिल बारिश से निचले इलाकों में फिर से पानी दाखिल होने की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। कई मकानों के गिरने की खबर भी है। वाजा रहे कि पिछली बारिश में गिरे हुए मकानों का मुआवजा अब तक हासिल नहीं हुआ है। वही एक बार फिर पिछले 4 दिन से जारी बारिश से अवाम बेहाल हो चुकी है। सड़कों पर सब्जी, फ्रूट, फल बेचकर गुजारा करने वालों पर भुखमरी की नौबत आई है। मुस्तकिल तेज बारिश से बाजार ठप हो चुके हैं। एक तरफ कोरोना तो दूसरी तरफ बारिश, ऐसे दो ही परेशानी का सामना अवाम को करना पड़ रहा है। वही हुकूमत भी बेहाल है। अवाम का कहना है कि जब पिछली मर्तबा बारिश से काफी नुकसान हुआ था तो इस बार हुकूमत को बारिश के पानी से डूबते मकानों का इंतजाम पहले से ही करना था, लिहाजा हर कुदरती कहर से सिर्फ गरीब ही मुतासिर हो। अक्सर यह भी देखा जाता है कि हुकूमत, इंतजाम या महकमा सिर्फ एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करते रहते हैं।
शहर के निचले इलाकों में बड़ी तादाद में रिहाइश मकानात की तामीर हुई है, अगर आने वाले और 4-5 दिन बारिश मुस्तकिल रहती है तो क्या अंजाम होगा? ऐसा सवाल आवाम के सामने खड़ा है। जहां बेलगाम शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का दावा किया जा रहा है, वहीं सिर्फ कुछ दिन की बारिश से शहर का असली चेहरा सामने आ रहा है। अगर आवाम की बुनियादी जरूरतों को ही नजरअंदाज किया जाए तो ऐसी स्मार्ट सिटी का क्या फायदा जिसका सिर्फ अमीर ही लुत्फ उठाते रहे। आलमट्टी डैम से पानी छोड़ने से कृष्णा नदी के किनारे जो गांव हैं, इनका खतरा बढ़ गया है। इससे 35 फीट पानी का इजाफा हो सकता है, ऐसा भी इशारा दिया गया। शहर रियासत मुल्क की पहचान ही गरीब आवाम होती है। कहते हैं अगर गरीब आवाम सुकून से जिंदगी गुजारती है तो समझो कि मुल्क में सब कुछ ठीक है। पर देखा जा रहा है कि पिछले कुछ सालों से सिर्फ गरीब को ही कुर्बानी देनी पड़ रही है। कब तक ये सरकार गरीब को परेशानी के अंधेरों में धकेलती रहेगी? और अब आवाम को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि कुछ रुपया में अपना वोट ना बेचे, सही रहनुमाओं को मुंतखब करे। क्या कभी कोई रहनुमा लीडर एमपी एमएलए उन गरीबों के घर जाकर जायजा लेता है जिनके घर के अंदर पानी घुसता है और उन्हें रात को सोने के लिए तक जगह नहीं रहती? कैसे मासूम बच्चों के साथ यह अपनी जिंदगी गुजारते हैं? पर अफसोस के हमारे यहां तो गरीब होना ही जुर्म है जिसका कोई फुर्सा ने हाल नहीं। जहां बारिश से कईयों का नुकसान हो रहा है तो अम्बोली गोका गुरचिन मलकी में जबरदस्त बारिश से बहते पानी को देखने के लिए सैलानियों की भीड़ भी बढ़ती जा रही है। गुरचिन मलकी का नजारा बड़ा ही खूबसूरत है जिसे देखने के लिए लोग बड़ी तादाद में जा रहे हैं। बेलगाम से भी बड़ी तादाद में अम्बोली का नजारा देखने लोग जा रहे हैं। मजीद यह कि कुछ शराबियों की वजह से शरारत की वारदातों में भी इजाफा होने की खबर आज से। मुहर्रम और गणेश के लिए अब सड़कों पर पंडाल नहीं लगाए जाएंगे। नई गाइडलाइन आवाम को दी गई है। कुछ तंजीमों ने यह मुतालबा पेश किया था कि शहर में ऐसी कई जगह है जहां पर मंदिर भी नहीं है, और अगर मंदिर है भी तो जगह ना काफी है, लिहाजा सड़कों पर पंडाल की इजाजत दी जाए। पर हुकूमत की जानिब से यह मुतालबा रद्द करते हुए कहा गया कि मंदिरों में ही मूर्तियों को बिठाया जाए, अगर कोई इसके खिलाफ वर्जी करता है तो मुकदमे दायर किए जाएंगे। लिहाजा इसी तरह मुहर्रम की कमेटियों को भी हिदायत दी गई है कि ताजिए ताबूत और पंजे का कोई जुलूस ना होगा और भीड़ को इकट्ठा ना किया जाए, वरना कानूनी कार्रवाई यहां पर भी की जाएगी। बेलगाम में कई जगहों पर ताबूत ताजिए बिठाए जाते हैं, पर कोरोना आलमी वबा के चलते तमाम इज्तमाही इजलास पर हुकूमत की तरफ से पाबंदी आयद की गई है। वही दूसरी ओर अपनी जहरीली बयानबाजी के लिए मशहूर जहरीली बयानबाजी कर तशद्दुद फैलाने वाले प्रमोद मुतालिक ने कहा है कि गणेश का त्योहार ना मनाने को देना बरसों की तहजीब को मिटाने की साजिश है, लिहाजा हिंदू तंजीमों के साथ एहतजाज करने का इशारा भी इन्होंने दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन आमोज मजमून सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से बेंगलोर में तशद्दुद बरपा हुआ जिसमें 3 अफराद जान बहक हुए। लिहाजा बेलगाम पुलिस कमिश्नर की जानिब से ऐलान किया गया है कि जो भी शख्स तौहीन आमोज पोस्ट करेगा और कोई इस पोस्ट को शेयर या फॉरवर्ड करेगा, इन तमाम पर कार्रवाई की जाएगी। वाज़ह रहे कि बेलगाम शहर में भी पिछले कुछ दिनों से टिपू सुल्तान, शिवाजी महाराज, बसवेश्वर जैसे महापुरुषों पर पोस्ट किए जा रहे हैं जिससे कई बार तनाव का माहौल पैदा हुआ है। लिहाजा बेलगाम पुलिस कमिश्नर की जानिब से यह ऐलान किया गया है कि सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करने से पहले 2 बार सोचे। जो भी तौहीन आमोज पोस्ट को वायरल करेगा इन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में मंगुत्ती में सोशल मीडिया के जरिए बड़ा बवाल किया गया, इसी के मद्देनजर ऐलान में कहा गया कि किसी भी धर्म मजहब जाति भाषा के जज्बात को ठेस पहुंचाने वाले पोस्ट अपलोड ना करें जिससे शहर के अमन को नुकसान ना पहुंचे, वरना कार्रवाई कर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।